Assalamu alaikum guys, and welcome to our brand new show with me, Raja Zia. Inshallah, is show ka format ye hoga ki aap logon ke jo sawal hain unke jawab hum aapko denge. And if you want to post more questions, you can post them on our YouTube channel, on our Instagram, or even on our Facebook. So inshallah, let's get straight to it. First question is from Shania Parveen, jo ke one day ago post hua tha ji, aur pucha ke I want to know how to increase khushu in salah. So alhamdulillah, it's a very good question, and I think it's one of those common questions that we get. Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majeed mein jab mu'minun ka zikr karte hain na, qad aflahal mu'minun, to jo first quality unki bayan karte hain wo ye hai ki unki namazon mein khushu hota hai. To ye khushu kaise paida hoga? Iske liye aapko ek mental exercise karni padegi namaz shuru hone se pehle. Yani jab aap wuzu ke liye jate hain na, to usi mauke se aap apne dimag mein ye bitha lein ki main ibadat ka process shuru kar raha hu. आम तौर पे जब लोग वुजू के लिए जाते हैं उनको लगता है ये तो एक छोटी सी मंडेन सी चीज है, ये वुजू करो और फिर नमाज में जाके असल इबादत होती है. लेकिन एक्चुअली वुजू करना भी एक इबादत है. तो आप अपने आप को मेंटली तैयार करते हो जब आप अपने चेहरे पे पानी डालते हैं और अपना मसा करते हैं, तो हदीस में आता है कि आपके ना गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस वेयर इट ऑल स्टार्ट्स. सो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो तो कि मैं अल्लाह ताला से मिलने जा रहा हूं, मेरी अल्लाह ताला के साथ एक अपॉइंटमेंट है. और जब आप जायनमाज बिछाते हो और नमाज के लिए खड़े होते हो, तो नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि आप अल्लाह ताला को देख सकते हैं. और अगर ये नहीं सोच सकते तो कम से कम ये जान लें कि अल्लाह आपको देख रहा है. और इमेजिन करें कि जैसे आप पुल सिरात पे नमाज पढ़ रहे हैं, एक साइड पे आपके जन्नत है, एक साइड पे आपके जहन्नम है, और ये सोच कर नमाज पढ़ें कि शायद ये आपकी आखिरी नमाज हो. इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई डॉक्टर हमें ये कह देता है कि भाई ये आपकी आखिरी नमाज है और इसके बाद आपका टाइम पूरा हो रहा है, तो आप सोचें कि वो आपकी नमाज कैसी होगी, उसमें आपका सूरतुल फातिहा पढ़ना कैसा होगा, उसमें बाकी सूरतों की तिलावत करना कैसा होगा. यकीन करें एक एक आयत पे आपको रोना आएगा कि बस इस नमाज के बाद मुझे कोई चांस नहीं है दोबारा कि मैं अल्लाह ताला से अपनी बात कह सकूं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकूं. तो इसलिए अपने आप को नमाज से पहले ही ना 5 मिनट के लिए ज़रा थोड़ा सा अपने हेड को क्लियर करें, इसी फोकस के साथ जाएँ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट यू आर सेइंग इन योर सलाह. ट्राई टू लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ द सलाह ताकि आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं. तो आई होप दैट मेक सेंस टू यू इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन जी आज का है फ्रॉम हसनैन मुर्तज़ा, जो पूछ रहे हैं कि I've done some terrible things in the past, really terrible. Now I've changed, but the past still haunts me. Like you're that same person who used to do that crazy bad stuff. How can I get over those thoughts? They really make me feel guilty and terrible. तो देखिए ये भी एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर लोगों के जहन में आता है कि देखो हमने इतने गुनाह किए हैं, हमारा इतना बुरा पास्ट रहा है, अब ठीक कैसे हो जाए. तो माई डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, बात यह कि हम सारे गुनाहगार हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहाँ पर आपने फरमाया कि हर इबन आदम खताकार है और उनमें से बेहतरीन वो हैं जो तौबा कर लेते हैं. अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ. अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया हुआ है, अल्लाह ताला की मग़फ़रत से मायूस नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है. तमाम गुनाह? जी हाँ, तमाम गुनाह, तमाम गुनाह. कुछ भी आपने किया हो अल्लाह माफ़ कर सकता है अगर आप तौबा करने वाले बन सकते हैं. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, यकीनन अल्लाह मोहब्बत करता है उन गुनाहगारों से जो तौबा कर लें और उन लोगों से जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं. तो आपका पास जैसा भी हो, आपका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए. जितनी भी आपने गलतियाँ की हों पास में, उनसे उन तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और अपने आप को चेंज करें इस तरह से कि आप अल्लाह के प्यारे हो जाएँ. और इसीलिए यानी जो लोग भी ये काम करते हैं, हदीस कुदसी में आता है कि अगर आप ज़मीन व आसमान को भी गुनाहों से भर देना तो अल्लाह ताला आपको उससे बड़ी मगफरत दे सकता है. तो इंशाल्लाह मायूस नहीं होना. आप एज लॉन्ग एज यू कैन रिपेंट टू अल्लाह सुब्हान ताला एंड चेंज योर वेज, अल्लाह ताला इज़ विलिंग टू फॉरगिव यू. अल्लाह ताला रहमान भी है, रहीम भी है, गफूर भी है, गफ़ार भी है, अलवदूद भी है और अलअफू भी है, गुनाहों को सफ़ाई हस्ती से मिटा देने वाला. तो इंशाल्लाह सिंसेरिटी के साथ तौबा करें, अल्लाह ताला कबूल करेगा. आज का तीसरा और आखिरी सवाल हसीना नजनीन की तरफ से है. आई होप आई प्रोनाउंस दैट नेम करेक्टली. पूछ रही हैं जी कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द कुरान. देखिए कुरान को समझने का तरीका तो एक ये है कि इंसान उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, समझ के पढ़े. और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अफला ये तदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते या क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग चुके हैं. तो कुरान पर गौर करना, फ़िक्र करना, समझ कर पढ़ना ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. अरबी में पढ़ना उसका अपना सवाब है, हर हर्फ पे आपको 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन कुरान को समझ के पढ़ना उससे भी ज़्यादा अफजल चीज़ है. क्योंकि जब आप समझ के पढ़ते हैं तो फिर आप उस पर एक्शन कर पाएंगे, आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे. तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रूटीन ऐसी ज़रूर बनाएं, दिन में चाहे 2 आयतें ही पढ़ लें लेकिन पढ़ें ज़रूर. पहले अरबिक में पढ़ें, फिर उसका ट्रांसलेशन पढ़ें और ये सोच लें कि जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा ना इंशाल्लाह रहमान मैं अपनी ज़िंदगी में उसको इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा. सो
That's all for today. Until next time, this is me, Raja Zia, signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.